हेलो भाइयों, मैं हूँ सोनू कुमार और अभी मेरे सामने खड़ी है ऑल न्यू मारुति सुजुकी जिमनी। इसमें टोटल आपको बात करूँ तो दो ही वेरिएंट आते हैं, जेटा वेस्ट वेरिएंट है और अल्फा जो टॉप मॉडल के नाम से बिकती है। वही जेटा हमारी वेस्ट वेरिएंट सामने जो खड़ी है वो बेस वेरिएंट है। इसमें आपको 5 कलर ऑप्शन मिल जाते हैं जो कि ग्रे, वाइट, ब्लू, रेड एंड ब्लैक जो हमारे सामने खड़ी है। सबसे ज़्यादा जो अच्छी दिख रही है वो ब्लैक कलर में ही, मुझे पर्सनली बताओ तो ब्लैक कलर बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है। वैसे ये सब 4 मीटर गाड़ी है, सेम जो थार जो आपको लेंथ मिलती है वही लेंथ आपको इसमें मिल जाता है। वहीं हम बात करें व्हील बेस की तो 2590 mm जो व्हील बेस मिल रहा है वो थोड़ा सा थार से ज़्यादा मिलता है। वहीं हम पीछे देख के देख लो तो ये देखो ब्लैक कलर जो है सबसे बेस्ट है, जी वैगन का लुक जो आपको कहीं ना कहीं मिल जाता है। रेयर लुक देखो, रेयर लुक में ऐसा कुछ आपको देखने को लग जाता है। हाइट की बात करें तो देखो यहाँ से ये देख लो आप, 1720 mm की हाइट मिल जाती है और विड्थ की बात करें तो 1645 mm की विड्थ मिल जाती है। थार में आपको विड्थ और हाइट दोनों ही ज़्यादा मिलता है, इसलिए थार जो है थोड़ी सी बड़ी देखने को लग जाती है कंपेरेटिवली। और इस साइड से लुक देख लो तो ऐसा कुछ मिल जाता है, व्हील बेस कहीं ना कहीं आपको थार से ज़्यादा मिलता है तो थोड़ा सा लंबा आपको देखने को जरूर लगेगा, बाकी लेंथ हमारी सेम है। अब चलो आगे से देख लेते हैं गाड़ी को, क्या लुक जो आपको मिलता है वो मैं आपको प्रॉपर अच्छे तरह से दिखाता हूँ और बता देता हूँ। तो ये है गाड़ी की प्रॉपर आगे ग्रिल की लुक। तो यहाँ पे आपको ग्रे कलर का ग्रिल देखने को मिलेगा जो बहुत ही ज़्यादा उभर के आ रहा है बाहर तरफ से। वहीं हम हेडलाइट्स की बात करें तो यहाँ पे आपको सिंपल हैलोजन रिफ्लेक्टर बेस हेडलाइट्स मिलते हैं। टर्निंग लाइट्स आपको वो भी हैलोजन में दिया गया है। नीचे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको फॉग लैंप नहीं है। वहीं हम टॉप मॉडल की बात करें जो अल्फा मॉडल है उसमें आपको LED प्रोजेक्टर हेडलाइट्स मिलते हैं और जो आपको उसमें फॉग लैंप भी दिया जा रहा है, तो वो टॉप मॉडल की बात हो गई। और इधर आप देख लो यहाँ पे आपको वॉशर वाइपर दोनों ही अवेलेबल है। टॉप मॉडल में जो टिंटेड ग्लास मिलते हैं वहीं आपको इसमें भी आपको टिंटेड ग्लास देखने को मिल जाता है। फेंडर पे आपको इंडिकेटर दिया जा रहा है जो हैलोजन में है। और टायर की बात करें तो टायर सेक्शन देखो, ये वाली आपको अलॉय तो नहीं मिलती, ब्लैक कलर की रिम मिल जाती है। 195/80 R15 साइज की टायर प्रोफाइल मिलती है। साइड क्लैडिंग की बात करें तो मारुति सुजुकी ने बहुत अच्छे से यूज़ किया साइड क्लैडिंग को। देखो पीछे आपको ड्रम ब्रेक दिया जा रहा है और आगे जो आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको RBM का जो मैट कलर में दिया जा रहा है फाइबर में, वहीं हम ग्लॉसी ब्लैक कलर में जो टॉप मॉडल में थोड़ा सा ग्लॉसी ग्रे कलर में आपको देखने को मिल जाता है। डोर हैंडल आपको फाइबर के दिया जा रहा है, यहाँ पे की को इंटर करने का स्पेस, और यहाँ भी आपको डोर हैंडल जो है वो फाइबर में दिया जा रहा है। 40 लीटर फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको यहाँ पे लीड मिल जाती है। बाकी वही है कि थोड़ा सा टॉप मॉडल में आपको ज़्यादा फीचर्स मिल जाते हैं। इसमें आपको जो है मेटल का रूफ दिया जा रहा है, जो आपको सॉफ्ट थार में जो आपको सॉफ्ट रूफ मिलता है वो आपको इसमें ऑप्शन में नहीं है। कन्वर्टेबल भी आपको इसमें ऑप्शन में नहीं मिलते। बाकी ये है इसकी, पीछे हम बात करें तो देखो यहाँ पे आपको हैलोजन बेस जो टेल लाइट्स देखने को मिल जाते हैं, LED में आपको नहीं है। बाकी 4 पार्किंग सेंसर्स देखने को मिल जा रहे हैं यहाँ पीछे, और बीच में जो आपको व्हील कैप के साथ जो टॉप मॉडल में मिलेगी सेम आपको व्हील कैप यहाँ भी देखने को मिल जाती है स्पेयर व्हील में। नीचे आपको ऑल ग्रिप की बेजिंग मिल जाएगी, नेक्सा की ब्रेजिंग, और यहाँ पे आपको डिफोगर वापर दोनों ही अवेलेबल है। हाई माउंटेड स्टॉप लैंप भी आपको ऊपर देखने को मिल जाता है। और ये स्पेयर व्हील की बात करें तो सेम साइज की स्पेयर व्हील आपको लटकी हुई मिल जाएगी। इधर आपको जिमनी की बेजिंग मिलती है और ये डोर ओपनर यहाँ पे देखने को मिल जाता है। टॉप मॉडल में क्या है कि आपको 3 रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाते हैं, इसमें आपको रिक्वेस्ट सेंसर कहीं भी देखने को नहीं मिलता। और ये है इसकी बूट जो आपको थार में आपको बूट का तो पता भी नहीं है, ये फाइबर का यूज है। और इधर आपको 210 लीटर वाली बूट कैपेसिटी जो दिख रही है। इधर आपको 1000 ट्रायंगल्स वगैरह देखने को मिल जाता है। इधर आपको चार्जिंग सॉकेट वगैरह दिया गया और ये बूट लैंप जो आपको हैलोजन में देखने को मिल जाता है। बाकी सीट की बात करें तो यहाँ 50-50 स्प्लिट सीट्स के साथ आती है। दो एंगल में आप इसको रिक्लाइन एंगल एडजस्ट कर सकते हो। इस साइड भी आप देखो दोनों साइड में ऑप्शन दिया गया, आपको दोनों साइड से एडजस्ट कर सकते हो। बाकी फोल्ड भी पूरे अच्छे से कर सकते हो, पूरी की पूरी फोल्ड हो जाती है, उससे क्या आपको बूट कैपेसिटी बहुत ही ज़्यादा देखने को मिल जाएगा। तो ये हो गई पूरे इसकी बूट कैपेसिटी के बारे में। और थार में तो कहीं स्पेसिफाइड दिया भी नहीं गया है कि आपको कितनी बूट कैपेसिटी थार में मिल रही है, तो कंपनी बताती ही नहीं है। बाकी चलो अब हम चलते हैं इंटीरियर से गाड़ी को देख लेते हैं। और प्राइसिंग वगैरह के लिए आप लास्ट तक वीडियो को बने रहना, मैं आपको प्राइसिंग वगैरह सब कुछ डिटेल में बताऊंगा। वैसे तो ये हमारी ऑटोमेटिक वेरिएंट खड़ी है, मैनुअल में आपको जो है क्या प्राइसिंग वगैरह लगती है वो मैं दिखा दूंगा। बाकी ये है गाड़ी की डोर पैनल। देखो नॉर्मल गाड़ियाँ जो मारुति में आती है आपको वो सब की थोड़ी सी डोर जो है उतनी वाइड नहीं खुलती जितनी इसकी वाइड खुल रही है। बाकी मैं 90 डिग्री नहीं बोल रहा हूँ, बस थोड़ी सी वाइड है। यहाँ पे आपको डोर पैनल्स वगैरह देख लो, यहाँ पे आपको सेम ऑल्टो की ऑल्टो स्विफ्ट में जो डोर लॉक मिलता है डोर हैंडल्स, वही आपको डोर हैंडल यहाँ दिए गए हैं। और इधर पूरा का पूरा फ्लैट है, यहाँ पे कुछ भी बोतल होल्डर वगैरह का प्लेसिंग वगैरह नहीं है। बाकी ये है ड्राइवर सीट साइड की
रिक्लाइन एंगल एडजस्ट करने के लिए, हाइट अकॉर्डिंग एडजस्टेबल नहीं है, टॉप मॉडल में आपको हाइट के अकॉर्डिंग देखने को मिल जाता है। बाकी इधर आपको 2 फुट पैडल देखने को मिल जाते हैं, डेड पैडल भी दिया गया है। वैसे कि ये हमारी ऑटोमेटिक है तो इसमें डेड पैडल आपको आराम से मिल जाता है। ये है गाड़ी की पूरी इंटीरियर। तो चलो अंदर बैठ के मैं देखता हूँ क्या आपको मिलती है, मैं बताऊँगा पूरा डिटेल में। आप वीडियो में बने रहना, आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो चलो देखते हैं अब। तो ये है पूरी एंटायर केबिन इसकी। देखो वैसे मैं जैसे बैठ रहा हूँ गाड़ी देखो कैसे हिल रही है। देखो बहुत ज़्यादा ही सॉफ्ट इसकी सस्पेंशन जो है, बहुत बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट साइड में है। बाकी ये है पूरे इसके एंटायर इंटीरियर। यहाँ पे आपको 7 इंचेस के इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेंगे। वहीं आप मेरे आगे खड़ी है टॉप वेरियंट जो इसकी, उसमें आपको 8 इंचेस की मिलेगी। वहीं आपको उसमें एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले जो है वायरलेसली सपोर्ट है। यहाँ आपको वायर्ड के थ्रू सपोर्ट करती है ये एंड्रॉयड को एप्पल कारप्ले दोनों को। बाकी ये हो गई इसकी RPM मीटर और यहाँ हो गई इसकी स्पीडोमीटर, मैक्सिमम स्पीड जो 180 किलोमीटर की स्पीड से है। बाकी मेरे पास यहाँ की नहीं है, वरना मैं पूरा स्टार्ट करके दिखा देता। इस साइड आपको है लाइट्स के कंट्रोल्स और इस साइड आपको वाइपर्स के कंट्रोल्स। और यहाँ पे आपको स्पीड वगैरह देख रहे हो, ये इंटेंस टाइम वगैरह फास्ट, ये वाइपर्स की स्पीड को कंट्रोल करने का भी यहाँ पे अलग से नोब दिया गया है। और ये है इसकी स्टेयरिंग। स्टेयरिंग में आपको यहाँ पे इन्फोटेनमेंट्स के कंट्रोल्स और यहाँ कुछ टेलीफोनिक कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं। वहीं आप टॉप वेरिएंट पे जाओगे तो यहाँ पे आपको क्रूज कंट्रोल का भी ऑप्शन मिल जाता है। इसमें क्रूज कंट्रोल नहीं देखने को मिल रहा। बाकी यहाँ सॉफ्ट टच थोड़ा सा दिया गया है, फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग नहीं है, पूरा ही गोल में है। और ये आपको मारुति के लोगो के साथ ये आपको थोड़ा सा क्रोम में दिया गया। बाकी इस साइड देखें, यहाँ पे आपको मैनुअल एसी मिलती है। वहीं हम टॉप वेरिएंट में देखेंगे तो ऑटोमेटिक एसी मिलेगी। इस साइड आपको उस साइड पावर विंडो का बटन, यहाँ आपको ट्रैक्शन का बटन, यहाँ हिल डिसेंट कंट्रोल, और ये आपको इस ड्राइवर साइड का ऑटो अप ऑटो डाउन का बटन मिल जाता है। इधर आपको USB मिलती है और यहाँ आपको 12 वोल्ट की चार्जिंग सॉकेट मिल जाती है। यहाँ फोन वन रखने का स्पेस, जो आप आराम से फोन ऐसे रख सकते हो। और ये हमारी जो ऑटोमेटिक वेरिएंट है, इसमें आपको जो है ये वाला नोब देखने को मिल जाता है, पी पार्क रिवर्स न्यूट्रल ड्राइव, ये सब आपको देखने को मिल जाती है। और ये है इसकी मेन नोब जो कि है इसको ऑफ रोडिंग बनाने वाली। ये इसमें आपको 2 हाई दिख रहा है, 4 हाई दिख रहा है, 4 लो दिख रहा है। इसको आप आराम से यहाँ से लगा सकते हो, एंगेज कर सकते हो। यहाँ हमको मैनुअल हैंडब्रेक देखने को मिल जाता है सिंपल सा ब्लैक कलर में। इस साइड आपको पीछे के पावर विंडो का कंट्रोल दिया गया है। और यहाँ पे आपको कुछ खाली सा स्पेस देखने को मिल जाता है। टॉप वेरिएंट में भी यहाँ कुछ दिया गया होगा, मुझे ठीक से याद नहीं है। इधर देख लेते, यहाँ आपको ग्लोव बॉक्स दिया गया है छोटा सा, बहुत ही डिसेंट साइज का, मतलब छोटा ही है। गाड़ी जो है बहुत ही कम चौड़ी है, आपको पता चल जाएगा कि ये आप 4 पर्सन के लिए ही है। आपको 5th जो पीछे बैठा गया, अगर तीसरा आप पीछे कोई बैठेगा तो उसको बैठने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। बाकी एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको 4 जरूर से देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पे आपको कुछ ये पकड़ने का स्पेस वगैरह देखने को मिल जाता है। मैनुअली एडजस्टेबल IRVM टिकट होल्डर, यहाँ IR, और इधर आपको वैनिटी मिरर के साथ इधर भी आपको टिकट होल्डर दिया गया। केबिन लैंप हमारे यहाँ पे देखने को मिल जाती है, और सनरूफ वगैरह इसमें देखने को नहीं मिलता। जैसा कि ये प्रॉपर ऑफ रोड गाड़ी है, आपको 1.5 लीटर की पेट्रोल इंजन देखने को मिल जाती है इसमें, जो कि मैं आगे देखे बोनट खोल के दिखा दूंगा आपको। बाकी ये जो हमारी पहले जिप्सी वगैरह में नहीं आती थी, ये वाली की एलन की वाली आपको सेटअप देखने को मिल जाती है। और बात करें इसमें तो सारा सिस्टम जो है यहीं पे दिया गया है। ट्रिप वगैरह सेट करने के लिए यहाँ पे आपको बटन दिया गया। और एसी वेंट की डिजाइनिंग देखो, ये वाली एसी आपको देखने को मिल जाती है। और हम इसकी बात करें ORVM को कंट्रोल्स करने के लिए, यहाँ पे देखने को मिल जाता है। एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे मिल जाता है, पुश स्टार्ट स्टॉप बटन नहीं मिलेगा। टॉप वेरिएंट में आपको पुश स्टार्ट स्टॉप बटन मिल जाता है, यहाँ पे आपको की ही लगाना होगा। जैसा कि ये हमारी मैनुअल गाड़ी नहीं है तो इसमें आपको 2 ही पैडल्स देखने को मिल जाते हैं। और देखो एक्सीलेटर पैडल कितनी पतली सी दी गई है, एकदम साइड में आपको डेड पैडल भी यहाँ दिया गया है। तो ये होगी प्रॉपर इसकी इनसाइड में जो आपको देखने को मिल रहा है। तो देखो ठीक है, स्पीकर में आपको 4 स्पीकर 2 ट्विटर देखने को मिल जाते हैं, तो आउटपुट क्वालिटी भी उसकी ठीक ठाक है। बस एक कमी है इसमें कि ORVM को अगर आपको फोल्ड करना होगा तो हाथ से ही करना होगा मैनुअली ऐसे करके, और कोई कमी इसमें वैसा नहीं है। बाकी टॉप वेरिएंट से कंपेयर करोगे तो इसमें बहुत सारे फीचर जो है इसमें मिसिंग मिल जाते हैं। बाकी एयरबैग की बात करें तो 6 एयरबैग इसमें भी मिलेगी, 6 एयरबैग टॉप वेरिएंट में भी आपको देखने को मिल जाता है।
और ये हमारी पीछे की रो, जो आपको मैं पीछे बैठ के भी दिखा दूं, तो देखो यहाँ पे आपको देखो बहुत ही ऊंचा बम्प देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ से एक्सल की गई है ना फोर व्हील वाली, तो यहाँ पे थोड़ा सा बम्प जनरली आपको देखने को मिलेगा ही। पीछे आपको पार्सल ट्रे नहीं है, पार्सल ट्रे ऐसी गाड़ी में आनी भी नहीं चाहिए। इसमें आपको दो सीट बेल्ट ही मिलेंगे, थर्ड पर्सन के लिए सीट बेल्ट नहीं है, बाकी ग्रैब हैंडल्स वगैरह आपको देखने को मिल जाते हैं। पीछे आर्म रेस्ट यहाँ पे नहीं है। केबिन लैंप की पीछे बात करें, रीडिंग लैंप, तो वो भी आपको हैलोजन में देखने को मिल जाता है। तो ये हो गई पूरी गाड़ी के बारे में। अब पीछे मैं दिखा दूं बूट को, तो देखो ये सेकेंड रो को पहले देख लेते हैं। सेकेंड रो के लिए यहाँ देखो, जैसा कि बेस वेरिएंट है, तो इसमें आपको मैट ब्लैक कलर का देखने को मिलेगा। ये यहाँ पे आपको ये वाला पावर विंडो का कंट्रोल यहाँ दिया गया है। जैसे ही बैठोगे ना आप गाड़ी में, ये इसकी सस्पेंशन है ना, बहुत ज्यादा सॉफ्ट टाइप की लग रही है मुझे, और ये दब जा रही है। तो ये हो गई इसकी सेकेंड रो। सेकेंड रो में देखो दो ही पर्सन बैठ सकते हैं, थर्ड पर्सन को बैठाने में थोड़ी सी दिक्कत आने वाली है, तो ज्यादा ब्रॉड है नहीं। और ये इसकी बम्प जो बहुत ही ज्यादा निकली हुई है, तो थर्ड पर्सन को जो अगर बैठना होगा तो वो पैर फैला के ही बैठ सकता है। और ये देखो पूरे पीछे करने के बाद भी इतना थोड़ा सा स्पेस मतलब हो जा रहा है, एक उंगली के देखो इतना स्पेस बच रही है। हम पीछे बात करें तो यहाँ पे आपको डोर पॉकेट्स दिया गया है दोनों साइड में, और ये है इसकी ऐसी आपको मिल रही है, इसकी सिंथेटिक जो यूज है वो आपको फैब्रिक वैसा मिल रहा है सीट में। और यहाँ से केबिन कुछ ऐसी देखने को मिल जाती है। तो ये हो गई गाड़ी की पूरी वीडियो। अब चलो इसको बोनट वगैरह दिखा देता हूँ मैं आपको। चलो मैं आपको इंजन इसकी दिखा देता हूँ, यहाँ से आप बोनट को आराम से खोल सकते हो। तो चलो देखो, गाड़ी में आपको एक ही इंजन मिलता है जो कि 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन, डीजल का ऑप्शन कहीं भी अवेलेबल नहीं है। वहीं थार में आप जाओगे तो थार में आपको डीजल ऑप्शन मिल जाता है। ये है इसकी 1.5 लीटर वाली फोर सिलेंडर के साथ, जो प्रोड्यूस करती है 103 bhp की पावर और 138 Nm का टॉर्क। देखो नीचे अंडरगार्ड इंजन का कुछ नहीं दिया गया है, कवर वगैरह और इंसुलेशन वगैरह भी आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलता। बहुत स्मूथ आपको इंजन, सेम जो आपको ब्रेजा वगैरह में इंजन मिलता है वही सेम इंजन इसमें आपको मिल जाता है। तो ठीक है, थार हमारी ज़्यादा प्रोड्यूस कर देती है पावर वगैरह, वो आपको पावर फिगर वगैरह थार में ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ये पूरी इंजन स्पेसिफिकेशन वगैरह देखो, ऑटोमेटिक में आपको 4-speed गियर बॉक्स मिलता है, वहीं मैनुअल में जाओगे तो आपको 5-speed गियर बॉक्स मिल जाएगी। बाकी प्राइसिंग वगैरह की बात करें, ये हमारी जो है ऑटोमेटिक वेरिएंट है, इसकी एक्स शोरूम प्राइस की बात करें तो 13,94,000 इसकी एक्स शोरूम प्राइस है। वहीं हम ऑन रोड प्राइस की बात करें तो इसमें आपको 15,95,000 ऑन रोड पे करने होंगे। और वहीं हम टॉप मॉडल की बात करें जो मैनुअल ट्रांसमिशन की, तो 13,70,000 एक्स शोरूम प्राइस है। तो देख लो इतनी कुछ इसकी प्राइसिंग वगैरह है। वहीं आप थार भी देख सकते हो इसके कंपैरेटिवली, और गुरखा भी आ जाती है फोर्स की, तो फोर्स की गुरखा थोड़ी सी बोल्ड और बड़ी तो लगती है थार के कंपैरिजन में, बट जो लुक है वो प्रॉपर थार में देखने को मिल जाता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और कमेंट में जरूर से बताना कि आपको जिमनी ज़्यादा अच्छी लग रही है या फिर थार।